एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं, या फिर आपके आपके लिए उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस, लव मैसेजेस हम चेक करेंगे, चैनल्ड मैसेजेस। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं गाइस। टाइमलेस रीडिंग है, जब आप इसे देख रहे होंगे तभी से आपसे रेजोनेट होगी। एंड जनरल रीडिंग है, जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो उतने लीजिएगा। प्लीज़ ऐसे जबरदस्ती अपने पे अप्लाई ना कीजिएगा, ठीक है? वैसे अपनी आपकी जो इंट्यूशन कहेगी हाँ ये मैसेज मेरे लिए है, तो उसे आप एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी को स्किप कीजिएगा। सो चलिए, जनरल रीडिंग है जो कि मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ, और जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, लड़का लड़की कोई भी से देख सकता है। सो मेरे पास बहुत से मैसेजेस हैं आपके लिए, बट निकालेंगे हम कुछ स्पेशल जो कि आपके पार्टनर बहुत ही इस वक्त बहुत ही अर्जेंट जो मैसेज है, जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है इस वक्त, वही निकालेंगे। सो लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। राम जी, इनकी तरफ से इनके पार्टनर की तरफ से जो भी मैसेजेस हैं, जो भी आप इनके पार्टनर इनसे कहना चाहते हैं बट कह नहीं पा रहे, वही मैसेजेस आप हमें दें। मैं भी यहाँ डाल रही हूँ, फिर देखते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। बस ज़्यादा नहीं लूँगी। सो चलिए, इनको करते हैं साइड में। इनको देखते हैं। ओके, सो वन बाय वन। सो फर्स्ट मैसेज वी हैव, आपके पार्टनर आपसे क्या कहना चाहते हैं। ओके, सो फर्स्ट मैसेज वी हैव म्यूज़िक। सो हो सकता है आपके पार्टनर आपसे म्यूज़िक के थ्रू कनेक्ट हैं, हो सकता है आपके जो पार्टनर हैं इन्होंने कभी, अभी नहीं तो इन पास्ट, इन्होंने आपको कोई सॉन्ग डेडिकेट किया था, या फिर आप दोनों का कोई ऐसा सॉन्ग, फेवरेट सॉन्ग जिसके थ्रू आप एक दूसरे से कनेक्ट फील करते थे, या कोई ऐसी याद जो म्यूज़िक से रिलेटेड है। सो आपके पार्टनर उसको फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं, म्यूज़िक से कनेक्ट है या म्यूज़िक के थ्रू आपको फील कर रहे हैं। सो नेक्स्ट मैसेज, ओके, सो नेक्स्ट मैसेज वी हैव, आई वांट अबंडेंस। एक सेकेंड क्लियर करती हूँ। आई वांट अबंडेंस फॉर बोथ ऑफ अस। सो हो सकता है आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा काम में बिजी हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर इनके पास पैसे होंगे तो ही आपका फ्यूचर सिक्योर है, तो वो आप दोनों के फ्यूचर के लिए पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस है इस वक्त। वो चाहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट, अगर इंडिपेंडेंट नहीं थे इन पास तो अभी ये इंडिपेंडेंट हो रहे हैं ताकि ये आपको अच्छा फ्यूचर दे सके। I'm just not mature enough for a love so deep. So ये कनेक्शन बहुत ही डीप कनेक्शन है, हो सकता है आप सोलमेट हो सकते हैं एक दूसरे के, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में भी हो सकते हैं। सो आपके पार्टनर अभी रेडी नहीं है इस डीप कनेक्शन के लिए। सो वो खुद को बहुत ही, आप ऐसा मान के चलो कि वो खुद को बहुत, इनको सेल्फ इस्टीम इश्यूज चल रहे हैं गाइज, ये खुद को आपके लिए इनफ नहीं मानते, इस कनेक्शन के लिए इनफ नहीं मानते। इनको बहुत सी अपने अंदर कमियां दिखती हैं, इनको ऐसा लगता है जैसे ये इस रिश्ते के लायक ही नहीं है, ये आपके लायक है ही नहीं। प्लीज़ डोंट यूज़ माई पास्ट अंगेस्ट मी। सो हो सकता है आप पास्ट की बातें बार बार रिपीट करते हैं, इनको खरी खोटी सुनाती है कि तुमने मेरे साथ पास्ट में ये किया वो किया, मैं तो इसका बदला लेके रहूँगा या लेके रहूँगी, मज़ा चखाऊँगी। ऐसा कुछ अगर आपका सिनारियो है तो आपसे ये रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ इनका जो पास्ट इन्होंने आपसे शेयर किया है, या जो भी मोमेंट आप दोनों के बीच पास्ट में ऐसे थे जो कि आपको अभी उस एनर्जी को आपको फिर से फील नहीं करना है, तो प्लीज़ मत कीजिए जस्टिस। वाओ, सो आपकी लाइफ में बहुत जल्द ही इस कनेक्शन में जस्टिस आपको मिलने वाला है। आप जस्टिस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस कनेक्शन में। अगर इन पास्ट आपने बहुत सा पेन झेला इस कनेक्शन में, बहुत सी उम्मीदें भगवान से लगा रखी थी, बहुत सी उम्मीदें इस कनेक्शन से, इस अपने पार्टनर से लगा रखी थी, तो मैं बता दूं अभी आपको उसका रिवॉर्ड मिलने वाला है, आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा। जो भी आपके साथ कुछ गलत हुआ है सो उसका हिसाब तो होने वाला है बहुत जल्द।
देयर इजंट एनी वन एल्स. वाओ, अगेन मैं आपको बस दिखा दूं, देयर इजंट एनी वन एल्स. तो अगर मेरे व्यूवर्स आपको डाउट है अपने पार्टनर पर, आपको लगता है जैसे कोई थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन है और वो भी स्पेशली लव इंटरेस्ट, तो मैं आपको बता दूं अपना डाउट क्लियर करें, यहाँ कोई भी कोई थर्ड पर्सन एज अ लव इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं है. आपके पार्टनर आपके अलावा किसी को नहीं चाहते, ठीक है, वो सिर्फ आप ही को चाहते हैं. सो अगर मेरे व्यूवर्स को कोई डाउट है तो प्लीज़ उन पे डाउट ना करें, स्पेशली पास्ट को रिपीट ना करें. हेल्थ इश्यूज़, सो हो सकता है आपके पार्टनर हेल्थ इश्यूज़ से डील कर रहे हैं. सो आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा एनजाइटी ले रहे होंगे इस कनेक्शन को लेके, आपको लेके. अगर आप नो कॉन्टैक्ट जोन में हैं स्पेशली, तो बहुत ज़्यादा टेंशन में है, बहुत ही ज़्यादा. आपकी मेमोरीज इनको हॉन्ट कर रही है, कहीं ना कहीं डीपली डीप डाउन बहुत ही लो फील कर रहे हैं आपके पार्टनर. सो नेक्स्ट मैसेज, आई डोंट ट्रस्ट एनीवन. सो हो सकता है इन पास्ट इनका ट्रस्ट बहुत बुरी तरीके से किसी ने ब्रेक किया है, जिसके कारण ये किसी पे ट्रस्ट, हर किसी पे आसानी से ट्रस्ट नहीं करते. एंड नेक्स्ट मैसेज, ओके, डिसऑनेस्टी. ओके, सो हो सकता है इससे मेरे को दो मैसेज मिले हैं आपसे, जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिएगा. फर्स्ट, अगर आपको ऐसा लगता था कि आपके पार्टनर ने आपके साथ इन पास्ट डिसऑनेस्टी रखी इस कनेक्शन में, तो मैं आपको बता दूं वो आपके साथ ऑनेस्ट थे. क्योंकि इससे पहले हमने जो एक मैसेज देखा था, थर्ड पार्टी थी वो एज अ लव इंटरेस्ट कोई भी नहीं है. तो आपको अगर वो डाउट है डिसऑनेस्टी, तभी ये मैसेज आपके लिए आया है कि यहाँ पे कोई थर्ड पर्सन एज अ लव इंटरेस्ट नहीं है, इन्होंने डिसऑनेस्टी इस कनेक्शन में नहीं रखी है. दूसरा मैसेज यहाँ पे जो मैं इस डिसऑनेस्टी से पिक कर पाई हूँ वो ये है कि अभी इन नियर फ्यूचर, इन पास्ट अगर इन्होंने किया भी है तो इन नियर फ्यूचर ये इस डिसऑनेस्टी को ऑनेस्टी में चेंज करने वाले हैं. मतलब ये जो डिसऑनेस्टी है ये इसको लेके अभी आप वरीड हैं, बट नेक्स्ट जो इनका अभी जो इन नियर फ्यूचर है, आपको देखने को मिलेगा कि जो ये डिसऑनेस्टी है ये इस कनेक्शन में दूर दूर तक नहीं है, ठीक है. सो आपके पार्टनर इन पास्ट डिसऑनेस्ट नहीं थे आपको लेके, और अगर कुछ के केसेस में अगर रहे भी हैं तो इन नियर फ्यूचर वो प्रॉब्लम बहुत जल्द सॉल्व होने वाली है. यहाँ पे इस डिसऑनेस्टी का सीधा सीधा मैसेज ये भी था, लेकिन ये तब था अगर इससे पहले मेरे को वो मैसेज नहीं मिलता देयर इजंट एनीवन एल्स वाला, तो मैं बोलती कि हाँ आपके पार्टनर डिसऑनेस्ट हैं आपके लेके प्रेजेंट टाइम में. बट उस मैसेज के बाद ये मैसेज आया है तो मैं एकदम क्लियर बोल सकती हूँ कि आपके पार्टनर इस वक्त डिसऑनेस्ट बिल्कुल नहीं है. इन पास्ट हो सकते हैं बट इस वक्त नहीं है, कुछ के केसेस में हो सकते हैं इन पास्ट भी, और वो आपको अच्छे से पता है. नेक्स्ट है, आई एम टू टायर्ड टू ट्राई नाउ. सो आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा थक चुके हैं कोशिशें करते करते, इस कनेक्शन को बचाते बचाते, या आपसे कॉन्टैक्ट करते करते, कुछ भी हो सकता है, बट वो थक चुके हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर मैसेज और कॉल. सो ये वेट कर रहे हैं आपके कॉल और मैसेज का, ये चाहते हैं कि आप इनिशिएट लें, ये चाहते हैं कि आप इनको रीच आउट करें. सो वो आप पे टोटली आप पे डिपेंड है. Within one year, एक साल के अंदर बहुत ही आप बहुत कुछ होने वाला है, बहुत ही बड़ा आपके लाइफ में होने वाला है इस कनेक्शन, स्पेशली इस कनेक्शन को लेकर. देखिएगा प्लीज़ आप नेगेटिव मत होइएगा. कुछ लोगों का ये जो कनेक्शन है ये मैरिज में चेंज हो सकता है, बट कुछ लोगों का ये जो कनेक्शन है ये ब्रेक भी हो सकता है. सभी के लिए नहीं, देखो आपको अच्छे से पता आपका कनेक्शन कैसा है. अगर आप सोलमेट जर्नी, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये तो वो कनेक्शन है जो कभी, जो अगर दूर भी हो गए, अगर आप अलग भी हो गए, तो वो उसको टूटना नहीं कहेंगे, उस रिश्ते को टूटना नहीं कहेंगे. ये रिश्ते तो अटूट हैं, बट पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको यूनिवर्स इससे भी बेस्ट देंगे. कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं, कुछ व्यूवर्स के लिए यूनिवर्स ने इससे भी बेस्ट सोच रखा है. सो हो सकता है विद इन वन ईयर ये कनेक्शन, इससे भी अच्छा कनेक्शन आपको मिले, या फिर कुछ व्यूवर्स के लिए
यही कनेक्शन आपका आपका लॉन्ग लाइफ साथ देगा. सो नेक्स्ट है 555. बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आपके इस कनेक्शन में आने वाले हैं, आपके पार्टनर में आने वाले हैं. सो जल्दी जल्दी देखते हैं. नेक्स्ट है कहीं मन नहीं लग रहा. सो इनका कहीं मन नहीं लग रहा आपके बिना. नेक्स्ट है आई वांट टू मैरी विद यू. फिर से देख लीजिए एक सेकेंड. आई वांट टू मैरी विद यू. सो आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं. सो आपके पार्टनर आपसे शादी करना चाहते हैं. मैं अभी यही बात कर रही थी कि विद इन वन ईयर हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं ये आपको शादी का ऑफ़र दें और आपका इनके साथ विवाह तय हो जाए. सो शादी की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन कुछ की केसेस में यूनिवर्स ने आपको इस कनेक्शन से भी बेस्ट देने का सोच रखा है. ये उन लोगों के लिए हैं जो इस कनेक्शन से मूव ऑन करना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, कई सालों से वेट कर रहे हैं. और ये भी नहीं है कि कुछ सालों से वेट कर रहे हैं, ये उन लोगों के लिए था ये मैसेज जो यूनिवर्स उनको बेस्ट देना चाहते हैं. ये उन लोगों के लिए है जो जिन्होंने लेट गो कर दिया है. यस, आप पकड़ पाई हूँ मैं जो मैसेज है वो क्लियर नहीं हो रहा था, मैं क्लियर पिक नहीं कर पा रही थी इस मैसेज को, बट अब मैंने किया कि आप ये यूनिवर्स ने आपके लिए बेस्ट प्लान कर रखा है विद इन वन ईयर. अगर आप इस कनेक्शन से मूव ऑन भी होते हैं तो आप टेंशन फ्री रहे, आपके लिए बेस्ट ही यूनिवर्स ने सोच रखा है. वेरी सून, बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत कुछ आपकी लाइफ में चेंज होने वाला है, क्योंकि 555 हमने देखा था इस कनेक्शन में चेंजेस आने वाले हैं. नेक्स्ट है आई फील लाइक एन इडियट फॉर मिसिंग दिस अप. सॉरी मैसिंग दिस अप, सॉरी मिसिंग पढ़ लिया मैंने, मैसिंग दिस अप. सो बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, खुद को ऐसा फील कर रहे हैं जैसे मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो मैंने इतने अच्छे खासे रिश्ते की बैंड बजा दी अपने ही हाथों से. आई एम क्राइंग फॉर यू. सो आपके पार्टनर आपके लिए रोते हैं, दे आर क्राइंग फॉर यू. हाउ स्वीट ना, रोना भी चाहिए. कांट स्लीप एट नाइट थिंक ऑफ यू. सो आपके पार्टनर आपके बारे में इतना सोचते हैं कि रात को सो भी नहीं पाते अच्छे से, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपको लेके. सरेंडर टू गॉड. सो अगर आपने सरेंडर नहीं किया है तो यूनिवर्स को सरेंडर करें, भगवान जी पे छोड़ दीजिए, उनको अच्छे से बताओ आपके लिए क्या सही है क्या गलत. नेक्स्ट है आर लव स्टोरी विल कंटिन्यू. सो आपकी जो लव स्टोरी है वो उनका दी एंड नहीं हुआ है, ये कंटिन्यू करेगी. नेक्स्ट, मैं रीडिंग को इतना इस वीडियो की लेंथ इतनी नहीं करना चाहती थी, बट क्या करें हो गया. कांट लेट यू गो. आपके पार्टनर आपको जाने नहीं दे सकते एट एनी कॉस्ट. नेक्स्ट, यू आर माई लाइफ, यू आर माई लव. सो आप इनकी लव और आप इनकी लाइफ हैं. जैसे मैंने ये बोला यू आर माई लव यू आर माई लाइफ, यहाँ पे 333 मेरे को दिखा. नेक्स्ट, विल योर पेरेंट्स एक्सेप्ट मी. सो यहाँ पे एक इनको प्रॉब्लम दिखाई दे रही है आपके इस कनेक्शन में, क्या आपके पार्टनर को आपके पेरेंट्स एक्सेप्ट करेंगे या नहीं. सो गाइज, ये कुछ मैसेजेस थे आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए. होप आपसे रेजोनेट किए हैं, आपको रीडिंग पसंद आई है. अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा. हो सके जिनको आपके जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जिनको ज़रूरत है तो आप उनके साथ इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं. सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, पॉजिटिव रहिए. जब तक राम जी साथ हैं तब तक आपका कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता. ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जय सिया राम.